हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे बी आर रीडिंग टेंथ लेसन ऑफ इंग्लिश द नेम ऑफ दिस लेसन इज सर्कस शो सर्कस शो शो होता है दिखाना और सर्कस होती है आपकी अखाड़ा तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अमर सर्कस वाज इन टाउन रोहित एंड प्रिया रिक्वेस्टेड देयर पेरेंट्स टू टेक दैम टू सर्कस अमर सर्कस जो थी वो एक कस्बे में थी और रोहित और प्रिया अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सर्कस देखने के लिए ले जाए सो दे ऑल वेंट टू सर्कस इसलिए वे सभी सर्कस के लिए चले गए पापा अबाउट टिकट्स एंड देवेंट इन साइड पापा ने टिकट्स खरीदी और वे अंदर चले गए द सर्कस वॉज ऑर्गेनाइज इन अ वेरी बिग टेंट सर्कस जो थी एक बहुत बड़े तंबू में चलाई जा रही थी रोहित एंड प्रिया सेट ऑन देयर सीट्स विद देयर पेरेंट्स रोहित और प्रिया अपने माता पिता के साथ उनकी कुर्सी पर बैठ गए द शो बिगन शो शुरू हो गया सेवन एलिफेंट्स केम ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इन अ चेन एंड वॉकड अराउंड सात हाथी गोल प्लेटफॉर्म गोल मंच पर एक चेन में आए देन दे स्टूड ऑन देयर हाइंड ब्लैग्स एंड डांस ऑन अ पीस ऑफ म्यूजिक और तब वे अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो गए और गाने की आवाज में नाचने लगे आफ्टर द एलिफेंट्स इट वॉज द टर्न ऑफ द एक्रोबेट्स एक्रोबेट्स होते हैं आपके कलावाज नट जिसे कहते हैं हाथियों के बाद कलावाज़ों की बारी थी देयर वर मैनी रोप्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द टेंट वहां तंबू की छत पर बहुत सारी रस्सियां लटकी हुई थी द एक्रोबेट्स स्वैंग फ्रॉम रोप्स एक्रोबेट्स जो कालावाज थे वो उन रस्सियों में झूल रहे थे एक जो था, ladder होती सीढ़ी, सीढ़ी पर खड़ा था और थ्रू होता है फेंकना सोसर होते प्लेट कप और प्लेट्स को हवा में फेंक रहा था दीज थिंग्स लैंडेड ऑन हिस्स वन बाई वन और ये चीजें उसके सिर पर एक एक का करके आ रही थी मतलब वो जैसे ही कप और प्लेट फेंक रहा था तो उसके सिर पर वो चीजें आकर रुक रही थी एक्रोवेट्स आर शोड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसैंड होती है बहुत बढ़िया कुछ और कलाबाजों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है प्रदर्शन किए आफ्टर सम टाइम अ स्मॉल ट्रेन केम इन टू द रिंग कुछ समय के बाद एक छोटी सी ट्रेन उस रिंग उस गोले में आई इट वॉज ड्रीवन बाई अ जिसे एक बंदर चला रहा था द गॉड ऑफ द ट्रेन वॉज ऑल्सो मंकी उस ट्रेन का जो गार्ड था वो भी क्या था एक मंकी था वर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड गॉड्स आर द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन पक्षी और छोटे जानवर जैसे खरगोश और बकरियां जो थीं उस गाड़ी की यात्री थीं। दे ऑल वर लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द ट्रेन और वे सभी ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे थे क्लाउन वॉज रनिंग आफ्टर द ट्रेन क्लाउन होता है आपका जौकर एक जौकर जो था वो ट्रेन के पीछे भाग रहा था द क्लाउन वॉज अ ड्राफ क्लाउन जो था एक बोना आदमी था हिज नोज वॉज विग एंड रेड एंड ही वॉज वियरिंग अ फनी एंड कलरफुल ड्रेस उसकी नाक जो थी वो बड़ी और लाल थी और उसने मजाक और रंग बिरंगे कपड़े पहने थे द पीपल वाफिंग एंड क्लैपिंग एट द क्लाउन लोग उस जोकर पर हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे दैनकी केम राइजिंग स्मॉल तब एक मंकी बंदर छोटी सी साइकिल चलाते हुए आया ही परफॉर्म्ड मैनी ट्रिक्स ऑन हिज वाइसाइकिल उसने अपनी साइकिल पर बहुत ज्यादा करतब दिखाए फाइनलीफॉर्म्ड एन एक्ट ऑफ ब्रेबरी ब्रेबरी ऑफ ए बहादुरी अंत में एक शेर ने बहुत बहादुरी का कर्तव्य दिखाया He jumped through अ रिंग ऑफ फायर उसने आग के गोले से जंप लगाया कूदा ही शो when the दिलीफेंट saluted द पीपल विद their trunks। ये जो शो था वो खत्म हुआ जब हाथियों ने अपनी सूंडों के साथ लोगों को सैल्यूट किया इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ेदार खेल था रोहित एंड प्रिया इन्जॉयड द शो वेरी मच रोहित और प्रिया को ये शो बहुत अच्छा लगा वाइल रिटर्निंग होम पापा आस्क्ड हाउ डिड यू लाइक द सर्कस जब वे घर वापस आ रहे थे तो पापा ने पूछा तुमको ये सर्कस कैसे लगी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सेट रोहित रोहित ने कहा यह बहुत ही अच्छी थी विच परफॉर्मेंस डिड यू लाइक द मोस्ट मम्मी आस्क्ड मम्मी ने कहा तुम्हें कौन सा वाला जो प्रदर्शन था अच्छा लगा आई लाइक द क्लाउन वेरी मच सेट प्रिया प्रिया ने कहा मुझे क्लाउन बहुत अच्छा लगा अबाउट वट अबाउट एक्रोवेट्स पापा पापा ने कहा कलाबाजों के बारे में कैसा लगा दे वर वंडरफुल रोहित सेट रोहित ने कहा वे बहुत ही अच्छे थे बहुत ही अद्भुत थे वंडरफुल होता है अद्भुत तो स्टूडेंट्स ये हैं इसके वर्ड मीनिंग टाउन टाउन होता है कस्बा या छोटा शहर टेंट तंबू प्लेटफॉर्म मंच एक्रोवेट्स होते हैं बाजीगर या नट रोप होती है रसी, सीलिंग, छत, लैडर, सीढ़ी प्लेट आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा ड्राफ होता है आपका बोना छोटा आदमी क्लैपिंग तालियां बजाना क्लाउन जोकर तो अभी इसके टिक क्रॉस करेंगे सर्कस वॉज इन टाउन तो कौन सी सर्कस थी अमर केम इन सर्कुलर प्लेटफॉर्म कौन आए थे एलिफेंट्स एक्वेट्स थ्रू इन एयर एक्रो ने क्या फेंके थे कप्स अ वॉज ड्रेवन वाई अंकी मंकी ने क्या चलाया था ट्रेन अ क्लाउन वॉज अके फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सर्कस सर्कस कौन जाना चाहता था रोहित एंड प्रिया विच एक्ट ऑफ ब्रेवरी डिड द लॉयट प्लेट परफॉर्म लॉन्ट ने कौन सा बहादुरी का प्रदर्शन किया था द लॉन्ट जम्प्रू रिंग ऑफ फायर थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द एंड शो एंड तो एट द एलीफेंट सेल्यूट द पीपल विद दर ट्रंक्स हु ऑल परफॉर्म ड्यूरिंग द शो इन द सर्कस सर्कस में किस किसने परफॉर्म किया तो वो थे एलिफेंट्स एक्रोवेट्स मंगीज क्लाउन एंड द लॉइन हू डिड प्रिया लाइक द मोस्ट प्रिया ने सबसे ज्यादा पसंद किसे किया तो प्रिया लाइक द क्लाउन शो तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेसन टेंथ और सरकस सो आई है होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग अ गुड डे स्टे से